जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित के काम करने के लिए यहां भेजा है। हमारा आपका आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं होता है, इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है। महोदय, आपने सही कहा है कि अभी ये हम समय हम लोगों के लिए, सबके लिए सचेत होने का समय है कि अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली हम लोगों की पीढ़ी जो होगी, जनप्रतिनिधियों की पीढ़ी, वो हमें नहीं माफ करेगी, क्योंकि हम लोग अपने आचरण से सरकार के दूसरे अंगों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका दे रहे। महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया केरला के मामले में। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत हमें पूर्ण निर्बंधनता है, जो हम यहाँ जो कुछ करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये संविधान ने हमको ये सेफ गार्ड और ये इम्यूनिटी दी है कि हम जो करेंगे बोलेंगे वो दूसरे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला है। उसके लिए हम कहीं अकाउंटेबल नहीं है। अगर सदन के सदस्य अगर कहीं अकाउंटेबल है तो या तो इस आसन के प्रति, नहीं तो फिर जनता के प्रति। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी 10 दिन पहले की बात है, उसने क्या कह दिया केरल के मामले में कि हम आपकी इम्यूनिटी मानते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता आपको किसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए, विमर्श करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए है, अपनी राय रखने के लिए है। लेकिन अगर आप सदन में कोई आपराधिक कृत्य करते हैं या कोई नियम तोड़ने का कृत्य करते हैं तो आप नियम तोड़ के, आपराधिक कृत्य करके संविधान के उस क्या, नहीं हम आपको नहीं कह रहे, हम आपको नहीं कह रहे, ये बात बता रहे हैं, ये केरला की माननीय नेता प्रतिपक्ष केरला की बात बता रहे हैं। हम अरे हम सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, बैठ जाइए। अरे अच्छा नहीं, केरला की सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया उस पर ही बोल रहे हैं, बैठ जाइए ना। हम सुप्रीम आप हम आप नहीं, बैठ जाइए, बोलना दीजिए, बोलना दीजिए, एक मिनट बैठ जाए आपको, नहीं एक इनके बाद आपको एक मिनट देंगे, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। महोदय, हमने ये नहीं कहा कि किसी माननीय सदस्य ने यहाँ विधानसभा में कोई आपराधिक कृत्य किया है। हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केरला के मामले में जो उसकी टिप्पणी है, जो ऑब्जर्वेशन है, हम उसको कोट कर रहे थे। हम अभी तक कहाँ कहा है हमने कि यहाँ पर किसी ने आपराधिक चरित्र के है। महोदय, माननीय सदस्य और गंभीरता से सुनिए, ध्यान से एक चीज बता दें कि जो अनुभव वरीय लोगों का है, नए सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। और आलम जी, और महोदय, उस और उसके तहत उसने ये भी कहा है, हम तो सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष आप ही को हम कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं कि हमको घेरने के लिए कहां कहां से हाथें बढ़ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। सचेत हमको होना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में, महोदय, कह दिया कि इस सदन के अंदर ये कुर्सी, टेबल, आसन, माइक, ये जितनी चीजें हैं ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सब सरकार के पैसे से बनी हुई चीजें हैं, और अगर इनको नुकसान होता है तो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में जो धाराएं लगती हैं, वो सदन के अंदर भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कृत्य करते हैं तो वो धाराएं उन पर लगेगी और उसका मामला बनेगा। हम तो सिर्फ सचेत कर रहे हैं
कि देखना सोचना ये है महोदय कि हम अपने लोकतंत्र और अपने विधायिका की इज्जत किस तरफ ले जाना चाहते, कि लोग हमें श्रद्धा की नजर से देखें या लोग हम पर आईपीसी सीआरपीसी की दफा लगाने के लिए हम लोगों को नजर देखें। महोदय, और जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन की घटना और जांच के या उसमें दोषी अपराधी की बात की है, महोदय, सरकार का और पूरे सत्ता पक्ष का पूर्ण विश्वास इस आसन के साथ है, और उस दिन चाहे सदन के अंदर जो घटनाएं घटी या सदन के बाहर जो घटनाएं घटी, संयोग से सभी कुछ बाहर भी व्हाइट लाइन के अंदर है, जो बिल्कुल आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार में है। उसमें सरकार की कोई चलती नहीं है, सरकार कहीं मायने नहीं रखती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर जो आप कहेंगे वही होगा, और हमने पहले भी कहा है कि सरकार पूरे विश्वास के साथ, और अंत में महोदय हम यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे, अरे घबरा कह रहे, हमको ऐसी बात तो कह नहीं रहे महोदय, जो शांति जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो सही कहा है, सारी चीजें आपके संज्ञान में है, और हमने कहा कि हमको पूर्ण भरोसा है इस आसन पर कि आप वीडियो फुटेज देख ले सारे चीजों जो जिनके कारण उस दिन अव्यवस्था फैली। हम तो यही कहते हैं कि जिनके कारण अव्यवस्था या उस दिन का काला अध्याय बिहार के विधायिका में जुड़ा, उनको आप चिन्हित करके, चाहे सरकारी अधिकारी हो या माननीय सदस्य हो, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हो, आप कार्रवाई करिए, सरकार आपकी कार्रवाई के साथ। महोदय, हम और कुछ नहीं कहना चाहते। अभी तेजस्वी जी सरकार की बात कर रहे थे, अरे हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं। हम लोग कोई नीचे ले जाने वाले नहीं है महोदय। और महोदय अंत में अब शांति बनाए रखिए, सुन लीजिए, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे को गंभीरता से सुनिएगा, तब न अपनी बात को विमर्श करिएगा। हाँ, इसलिए महोदय आप जो निर्णय लीजिएगा आपके क्षेत्राधिकार में है। और अंत में हम दो पंक्ति कह के महोदय समाप्त कर देंगे, ये अंतिम दो पंक्ति है, इस सार है जो है, सार में वो सार है, आपने जो कहा तो सार है कि हम लोग तो ये चमन जो है प्रजातंत्र का, जमहूरियत का ये गुलशन जो है जिसमें हम सभी फूल खिलते हैं, कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। मगर महोदय, मगर चमन को रौंद डाला जिनने अपने पैरों से, वही दावा करे है इस चमन के रहनुमाई का। एक अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जो दलीय नेता हैं